हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना सुरक्षित से पढ़ाई लिखाई करते होंगे। देखिए, आपका जो मैट्रिसेस चैप्टर चल रहा था, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स चैप्टर जो चल रहा था क्लास 11th 12th का, उसमें हम मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स शब्द बता दिए हैं। आज जो आपको बताने जा रहे हैं वो ट्रांसपोज के बारे में बताने जा रहे हैं। आज आपका क्या टॉपिक आया? ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए दोस्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते किसको है? ऐसे समझिए, जैसे किसी भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम तो फिक्स रहता है। अगर उस रो को और कॉलम को, रो के जगह कॉलम और कॉलम के जगह रो को अगर ला देते हैं, तो वही मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कहता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? कहेगा ए मैट्रिक्स ए बी एनी मैट्रिक्स मैट्रिक्स देन द ऑब्टेंड ऑब्टेंड बाय इंटर चेंजिंग चेंजिंग रो एंड कॉलम इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या ए कोई मैट्रिक्स था तो ट्रांसपोज ऑफ ए लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये तो हुआ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है ए आई, आई जे है, एम गुना एन का है। अब देखिए, जब हम एंड, अब देखिए ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट्स डिनोटेड बाय ए का पावर टी या ए का पावर डैश, इसी से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए दोस्त, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, ए आई जी उसका एलिमेंट है, एम गुना एन रो ऑर्डर का है। अब देखिए, जब इसका ए का ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ आई का जो मान होगा, आई 1 2 3 4 डॉट 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 एम तक, एम रो तक, और जे का जो मान है 1 2 3 4 डॉट डॉट ये एन तक। अब देखिए दोस्त, ए का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे, कहता है रो का इंटरचेंज हो जाता है, रो और कॉलम, तो ए है जे आई हो जाएगा, तो जे आई होगा तो ये कितना, एम गुना एन ऑर्डर का, एन गुना एम ऑर्डर का हो जाएगा। तब आई का जो होगा, आई का मान या जे का मान पहले रो 1 2 3 4 डॉट 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 एम एन तक, और आई का जो मान होगा आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट एम तक। अब देखिए दोस्त, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ले मान लीजिए कोई एक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए है, दिया हुआ है 4 3 2 5, कहेगा कि ए का, ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज निकालिए, मतलब इसका ए का ट्रांसपोज तो कितना है, 4 2 3 5 है। अब देखिए, इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ये किसमें, रो में, ये रो है, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो कॉलम है। ये नहीं कीजिएगा को पहले को रो में बदल दिया, दूसरे को कॉलम में बदल दिया, वो नहीं। जैसे पहले रो है तो रो को बदल रहे हैं, तो दोनों रो को बदलेंगे, दोनों कॉलम को बदलेंगे, दोनों कॉलम को बदल देंगे। जैसे ये रो है, R1 है, R1 को कितना C1 में कीजिएगा 3 4, और R2 को 2 5, ये हो गया कॉलम। अब देखिए दोस्त, यही हो गया A का ट्रांसपोज बराबर इतना। मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है, 1 2 दिया हुआ है, ये कितना है 2 रो 1 कॉलम, ये कितना था 2 रो 2 कॉलम, इसका जब आप चेंज किए तो 2 रो 2 कॉलम का हो गया। अब देखिए, जैसे ए दिया है 2 रो 1 कॉलम का, अगर हम इसका निकालते हैं ए का ट्रांसपोज, तो ये बदल जाएगा, इसमें 1 2 है। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो इन रो कॉलम में, तो कितना हो जाएगा, रो है ये कॉलम में है, रो में चेंज कीजिएगा तो कितना 1 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, एक रो हो गया आपका और 2 कॉलम हो गया,
जैसे आप देख रहे हैं यहाँ दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स था तो कोई पता नहीं चला, अब इसमें पता चल गया। अब देखिए मान लीजिए इसी आधार पे कोई और एक मैट्रिक्स है 5, 6, 9, 10। अब देखिए दोस्त ये दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर बोलेगा कि ए का ट्रांसपोज निकाले, फाइंड ए का पावर ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज लिखेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा इधर 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये दिया है कितना रो कितना कॉलम का, 3 रो और 2 कॉलम का ये मैट्रिक्स है। इंटरचेंज करेगा तो 2 रो 3 कॉलम का होगा। अब देखिए दोस्त जैसे ए का पावर टी निकालिएगा या ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज इस पूरे का ट्रांसपोज दीजिएगा, ये बदल के किस में चला जाएगा, 2 रो है, रो कितना है 3 रो आपका है, 2 कॉलम है, तो 2 रो में बदलेगा 3 कॉलम, तो इस कॉलम को उठाइए रो में बदल दीजिए, तो 5, 7, 9, 5, 7, 9, और इसको अगर बदलिएगा तो 6, 8, 10, ये हो गया। अब देखिए मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, एलिमेंट अगर उस एलिमेंट का दिए कोई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर में एलिमेंट है, जैसे ए मान लेते हैं ये दिया हुआ है 3 प्लस 2 i 5 प्लस 3 i, और ये i आई ये भी माइनस i, बोलेगा फाइंड ए का ट्रांसपोज, तब क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, जो दिया हुआ है उस पे पहले ट्रांसपोज दीजिए 3 प्लस 2 i 5 प्लस 3 i, और ये हो गया i, ये हो गया माइनस i। देखिए ये कितना 2 गुना 2 ऑर्डर का है, तो देखिए ये फर्स्ट रो है आपका, ये सेकंड रो है, तो इसका मतलब क्या होता है कि रो को चेंज करेंगे, रो कॉलम में कॉलम चाहे रो में, तो देखिए दोस्त ये रो है फर्स्ट रो का, इसको चेंज कीजिए, तो चेंज कीजिएगा तो 3 प्लस 2 i, ये हो गया i, इसको अगर चेंज कीजिएगा तो 5 प्लस 3 i, और ये हो गया माइनस i, यही निकल गया आपका ए का ट्रांसपोज। अब देखिए इस सब में अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल है, आप अगर रो को कॉलम में कॉलम को चेंज रो में चेंज करने के बाद तो वो डायगोनल आपका सेम रह जाता है, जैसे ए का ए था ये, इसका ट्रांसपोज किए इसका भी डायगोनल 4, 5 ही है जो इसका डायगोनल है। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्त, जैसे इसका डायगोनल कितना था 3 प्लस 2 i और माइनस i, तो इसका भी डायगोनल जो निकला आपका कितना निकला 3 प्लस 2 i और माइनस i। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो पहले डायगोनल था वही रहेगा। अब देखिए इतना आप लिखिए, आगे बता रहे हैं, देखिए दोस्त इसका आप कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसका प्रॉपर्टी क्या है, जैसे पहला प्रॉपर्टी है अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होगा, बराबर होगा। दूसरा है अगर ए प्लस बी ए माइनस बी का ट्रांसपोज है तो ये जो होगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होगा, देख लीजिए दोस्त। तीसरा है आपका कि अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज है, देख लीजिएगा यही मेन प्रॉपर्टी है आपका, अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो ये जो ट्रांसपोज होगा ये बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का इक्वल होगा। चौथा प्रॉपर्टी है अगर कोई के ए का ट्रांसपोज है तो के इज द स्केलर, तो के बाहर हो जाएगा ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे देखिए अगर 5 में है कि माइनस ए का ट्रांसपोज, तो इसमें माइनस है दोस्त तो ये माइनस बाहर हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया, समझ लिए। अब देखिए 6 नंबर प्रॉपर्टी है अगर ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो तो वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स रहता है वही आ जाता है, ये समझ लिए। होता कैसे है दोस्त, प्रूफ देख लीजिए, जैसे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का दिया हुआ है ट्रांसपोज, ये कह रहा है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होगा, यही ना दोस्त। लेट में मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू है कितना ए आई जे
एम गुना एन ऑर्डर का। बी कोई मैट्रिक्स मान लिए कितना बी आई जे एम गुना एन ऑर्डर का, समझ लिए दोस्त। करना क्या है, ए प्लस बी निकालना है, पहले ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी निकालिएगा तो ए का एलिमेंट है ए आई जे प्लस बी का एलिमेंट है बी आई जे, दोनों को जोड़िएगा तो ये भी एम गुना एन ऑर्डर का है, ये भी एम गुना एन ऑर्डर का। जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे पूरे का कितना एम गुना एन, ये ना होगा दोस्त। अब देखिए ये क्या ए आई जे और बी आई जे हो गया, ये क्या आपका ए प्लस बी निकला है, ए प्लस बी निकला है। अब देखिए इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं एलएचएस से आइए, अब एलएचएस में कितना ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, ए प्लस बी मेरा निकला है कितना ए आई जे प्लस बी आई जे होल का ट्रांसपोज, ये एम गुना एन ऑर्डर का है। जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो ऑर्डर चेंज होगा तो एलिमेंट जो अंदर रहेगा वो एलिमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। जैसे देखिए ये है कितना पांच दो, पांच दो है सपोज एक्ट मान लिए, इसका ट्रांसपोज प्लस पांच, दोनों मान लिए एक एक एलिमेंट है, पांच है पांच है, ये भी आई जे ये भी आई जे, दोनों को जोड़िएगा तो दस हो जाएगा। लेकिन आई जे में आई जे कन्वर्ट हो मतलब कि जो उसका रहेगा वो इंटरचेंज करेगा। इसका देखिए इसका दो है, दोनों एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट है तो ए बी इसका पूरे का जो होगा, जैसे देखिए यहाँ कितना ए आई जे है, दोनों का रो और अति कॉलम देखा जाएगा तो यहाँ भी है, तो जब इसका आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये हो जाएगा दोस्त ए जे आई प्लस बी जे आई, और ये हो जाएगा आपका एन गुना एम ऑर्डर का। अब देखिए ये हो गया, आगे अब आरएचएस क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है या नहीं। तो देखिए दोस्त ए का ट्रांसपोज ए कितना है ए आई जे का ट्रांसपोज प्लस बी आई जे का ट्रांसपोज, ये भी एम गुना एन का, ये भी एम गुना एन का। अब देखिए इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ए जे आई का एम गुना एन, अति एम गुना एन था एन गुना एम हो जाएगा, प्लस बी आई जे है इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो बी जे आई एन एम का हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कीजिएगा दोस्त तो कितना हो जाएगा ए जे आई प्लस बी जे आई और एन गुना एम ऑर्डर का। देखिए दोस्त दोनों इक्वल है कि नहीं, जब इक्वल है तो हम लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, समझे दोस्त। अब देखिए ये आपका प्लस वाला प्रूफ हो गया, इसको लिख लीजिए बता रहे हैं। अगर आप लिख लिए होंगे, अगर ए माइनस बी रहेगा ए माइनस बी यहाँ, उसके बाद यहाँ माइनस, अब देखिए ए माइनस बी लेट में मान लिए यही ये दूसरा नंबर है, जब ए ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए माइनस बी कर दीजिए पहले, ये हो गया। जब इसका आप एल एच एस लीजिएगा तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज ले लिए। अब देखिए ए माइनस बी का ट्रांसपोज लिए तो ये आई जे ए आई का एलिमेंट माइनस बी आई जे, जब इसको इंटरचेंज किए तो कितना जे आई माइनस हो गया, ये आपका हो गया दोस्त। अब देखिए जैसे आर एच एस में जाइएगा, आर एच एस क्या दिया हुआ है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये हो गया दोस्त। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए, ए का दिया हुआ है ए आई जे, बी दिया हुआ है बी आई जे, दोनों का ट्रांसपोज किया तो जे आई हो गया, इसमें भी जे आई। अब देखिए जे आई जब हो गया तो इसमें कितना माइनस है, माइनस कर रहे हैं आप तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए आई ए जे आई माइनस बी जे आई, और रो कॉलम में कॉलम रो में चेंज हो गया। अब देखिए दोस्त ये जो निकला आपका ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल है तो लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब देखिए अगर ये आप समझ गए होंगे तो तीसरा प्रॉपर्टी है आपका ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब देखिए मान लीजिए कोई एक एलिमेंट, मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है,
दो तीन चार पांच, ये मान लिए बी बराबर भी दिया हुआ है, मान लीजिए दो चार दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब दोनों का ए बी निकालते हैं, ए बी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 4 3 5, और ये कितना है 2 4। अब देखिए दोस्त, इसका अगर ये कितना है 2 × 2 का, ये दो रो, दो रो एक कॉलम का मतलब दो दो खत्म, दो रो एक कॉलम बनेगा। अब देखिए दो रो एक कॉलम बनेगा तो बनाइए पहले दो रो एक कॉलम। देखिए दोस्त गुना कीजिएगा, पहला रो उठेगा कॉलम से गुना होगा तो इससे गुना कीजिए, 2 × 2 = 4 + 4 = 12, इससे गुना करिए, 4 × 2 = 8, 5 × 4 = 20, ऐसे देखिए 2 × 2 = 4, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, 5 × 4 = 20, ये हो गया। देखिए दोस्त ये दो रो हो गया एक कॉलम हो गया, ये आपका जो बन के तैयार हो गया 16 और 16 और 28, ये कितना दो रो एक कॉलम का है। इसका ट्रांसपोज करना है तो ए बी का ट्रांसपोज तो कितना हो जाएगा, इस रो कॉलम में चेंज होगा 16 और ये 28, ये कितना हो गया एक रो दो कॉलम का। अब देखिए दोस्त इसका आरएचएस क्या है, आरएचएस है कि बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। देखिए दोस्त जैसे यहाँ आरएचएस लेते हैं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, देखिए बी कितना है आपका 2 4, इसका ट्रांसपोज इनटू ए कितना है 2 4 3 5। अब देखिए इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो 2 4 और इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 3 4 5, इतना होगा दोस्त। अब देखिए इसको अगर यहाँ लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 से गुणा किए, 2 2 = 4 + 4 3 = 12, यह हो गया। अब देखिए दूसरा कितना आ जाएगा 4 + 12, अब फिर इससे गुना 2 4 = 8 + 4 5 = 20, यह हो गया दोस्त। ये कितना हो गया आपका, ये यहाँ का है दोस्त, लिख लीजिए 12, 4 + 12 = 16 और 20 + 8 = 28। देखिए दोस्त ये आपका आरएचएस है और ये आपका एलएचएस है, तो क्या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं होगा, कहीं अगर चेंज लग रहा है तो बोलिए। इसमें दोस्त होता है आई जे में होगा कि कहाँ आई चेंज करें कहाँ जे, लेकिन इसमें आप कंफर्म आप चेक करके बता सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसलिए दोस्त अगर समझ में आया होगा तो इसको भी लिखिए। आगे हम ये तीनों, ये तीन तो बता दिए, ये तीन बचाए, तीनों को बता रहे हैं, इसको लिख लीजिए। देखिए दोस्त आपका 4 नंबर क्या प्रॉपर्टी था, 4 नंबर में था कि अगर के ए का ट्रांसपोज करते हैं तो के बाहर हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, यही ना दोस्त। अब देखिए लेट मान लीजिए यहाँ के जो है क्या है, स्केलर है, ए मान लीजिए, मान लेते हैं ए है आपका कितना 5 3, मान लिए ये दो रो एक कॉलम का है, के का मान मान लिए ये है ए, मान लिए दोस्त क्या बोला के ए का ट्रांसपोज, तो के ए तो पहले के ए चाहिए तो के ए निकालिए, ये कितना हो गया 5 3, अब इसको गुना कीजिए तो 5 a, ये हो गया 3 a। अब ये किन क्या निकला है के, इसका ट्रांसपोज निकालना है आपको, इसका ट्रांसपोज ये कितना में है 2 रो 1 कॉलम में। अब देखिए इसका जब ट्रांसपोज निकालेगा तो 5 a 3 a होगा। अब देखिए दोस्त यहाँ से अगर ए कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 3 होगा। अब देखिए ए का मान कितना, इतना है, अगर हम यहाँ से ए का ट्रांसपोज निकालें तो ये कितने रो वाइज में है, कॉलम में है, कॉलम में है तो रो में चेंज करेगा तो कितना हो गया 5 3 हो गया दोस्त। अब देखिए यहाँ 5 3 है, 5 3 किसके बराबर है, ये ए किसका बराबर है, किसके मान है ए का, के का, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज, तो प्रूव हो गया, प्रूव। अब देखिए आपका 5वां प्रॉपर्टी था कि अगर माइनस ए का ट्रांसपोज करते हैं तो वो माइनस बाहर हो जाता है, ए का ट्रांसपोज हो जाता है, सही ना दोस्त। अब देखिए लेट में मानिए ए बराबर कितना मानिएगा 5 6, मान लिए दोस्त। अब देखिए 5 6 में मान है आपको क्या चाहिए, पहले माइनस ए चाहिए तो माइनस 6 को गुणा कीजिए, माइनस 5 माइनस 6
अब देखिए गुना में आपको बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर गुना करते हैं किसी स्केलर से तो ये मैट्रिक्स में जितना एलिमेंट रहेगा उतना एलिमेंट में गुना होगा, तो गुना कर दिए दोस्त। अब इसका ट्रांसपोज क्या है, इसका ट्रांसपोज क्या रहा है, तो माइनस फाइव माइनस सिक्स का ट्रांसपोज तो कितना आ जाएगा, माइनस फाइव माइनस सिक्स होगा दोस्त, किसमें दो एक रो दो कॉलम में था, ये किसमें जाएंगे आप, टू रो एक कॉलम में। अब देखिए अगर इससे माइनस कॉमन लें तो कितना आ जाएगा, फाइव सिक्स होगा, कितना हो गया। अब देखिए इस ए का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये कितना, फाइव सिक्स होगा, क्योंकि ये किसमें टू रो वन रो और टू कॉलम में, ये बदल गया किसमें, टू रो एक कॉलम में, टू रो एक कॉलम। अब देखिए ये भी टू रो एक कॉलम है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ए का ट्रांसपोज होगा, अब ये माइनस बार हो गया ए का ट्रांसपोज, तो यही तो आपको प्रूफ करना था, प्रूफ। अब देखिए और आपका छठा प्रॉपर्टी था कि अगर ए का डबल ट्रांसपोज है तो वो ए होगा, यही था दोस्त। लेट में मानिए कि ए कोई मैट्रिक्स है फाइव सिक्स या सेवन एट, ये मान लिए करा ए का ट्रांसपोज फाइव सेवन सेवन एट, इसका आपको ट्रांसपोज करना है दो रो दो कॉलम में, तो वही चेंज हो जाएगा, तो रोज कॉलम तो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम रह गया, अब एलिमेंट चेंज करेगा तो कितना हो गया, फाइव सेवन और सेवन एट। अभी भी देखिए दोस्त ये ऐसा एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ थ्री है, यहाँ थ्री है, यहाँ थ्री हो गया, जब इसको चेंज कीजिएगा तो फाइव थ्री सेवन एट हो जाएगा, ये क्या हुआ ए का ट्रांसपोज। अगर अगेन फिर से अगर करते हैं अगेन फिर से या पुनः आप इसको ट्रांसपोज करते हैं तो कितना है आपका, फाइव थ्री सेवन एट, इसका आप ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ट्रांसपोज कीजिएगा क्या, रो कॉलम में कॉलम रो में, तो ये कितना हो गया, फाइव सेवन ये हो गया थ्री एट, इसका मान क्या है दोस्त, ए माने हैं आप, तो ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। अगर कहीं दिक्कत हुआ है तो बोलिए, और नहीं हुआ है दिक्कत तो आगे इसका थ्योरम बताने जा रहे हैं कि थ्योरम मतलब, थ्योरम से पहले कुछ आएगा टाइप ऑफ इसमें मैट्रिक्स, कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या क्या कौन कौन टाइप है, तो उसको बता रहे हैं, इसको लिखिए दोस्त। अब आया अगला टाइप आया आपका, इसी में कहता है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए दोस्त सिमेट्रिक्स इसका परिभाषा होता है, परिभाषा है ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स इफ अगर ए आई जे वो बराबर होगा ए जे आई का। देखिए दोस्त इसका कह रहा है ए बी द एनी मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, वह सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा कब, इफ ए आई जे जो बराबर कब हो, ए आई जे का बराबर होगा, मतलब कि यहां से देखिए ए आई जे कोई मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट कितना है, ए आई जे है, ये किसका बराबर कह रहा है, ए जे आई का, और ए आई ए जे आई क्या, इसका ट्रांसपोज है, मतलब यहाँ कहने का मतलब हो गया ए जो है वो ए का ट्रांसपोज का होगा, ए बराबर होगा ए का ट्रांसपोज, मतलब ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, तो वो मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखिए दोस्त जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए बराबर है थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री फोर फाइव सिक्स, या मान लीजिए वन थ्री थ्री टू, ये मान लीजिए। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करते हैं कितना हो जाएगा, वन थ्री थ्री टू, और इसमें आपको बोल दिया है कि वो जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी होगा,
ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, दो रो दो कॉलम का है, इसका आप ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज कीजिएगा तो रो कॉलम है, कॉलम रो में, तो 1332 होगा दोस्त। ये किसके बराबर है, ए का बराबर, तो कह सकते हैं ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब देखिए ये आप जान लिए सिमेट्रिक, इसी में दूसरा टाइप होता है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए दोस्त, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कहता है ए बी द, ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ, अगर ए आई जे, ए आई जे वो होगा माइनस आई जे का, आई जे वो होगा माइनस जे आई का बराबर। अब देखिए दोस्त, ये कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए है दोस्त, उसका एलिमेंट बोल रहा है ये कि ए इतना होगा, एलिमेंट का मतलब जैसे माइनस हो गया आपका ए जे आई, तो इसी का तो ट्रांसपोज होगा सर दोस्त, तो कितना हो गया आपका ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, मतलब कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद अगर हम माइनस को बाहर ले लेते हैं तो अगर वो ए का बराबर हो जाता है तो वैसा मैट्रिक्स आपका स्क्यू मैट्रिक्स कहलाएगा। दूसरा टाइप आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स, उसका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, ये हो गया जीरो, ये हो गया टू, ये हो गया माइनस टू, ये हो गया जीरो, मान लिए इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए का ट्रांसपोज कितना है, जीरो टू माइनस टू और जीरो, ये देखिए वहाँ क्या बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, जब इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये कितना, जीरो टू माइनस टू और जीरो होगा दोस्त, इतना हो गया। अब इससे माइनस बाहर कीजिएगा, तो माइनस जब बाहर कीजिएगा तो ये कितना, माइनस बाहर हो गया, ये कितना आ जाएगा आपका, जीरो टू, ये हो गया माइनस टू और ये जीरो। अब देखिए ये जो आप माने हैं जीरो माइनस टू टू जीरो, ये किसके बराबर हो गया, ए का बराबर, तो कितना हो गया, माइनस ए हो गया, तो आपका कितना, ए का ट्रांसपोज ए का इक्वल हो गया, तो वो मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये हो गया। ये था आपका टू इंटू टू ऑर्डर पे। अब देखिए थ्री ऑर्डर का एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जीरो है, माइनस टू है, माइनस थ्री है, टू है, जीरो है और माइनस फोर है, फिर है माइनस थ्री है, माइनस फोर है और जीरो है। अब देखिए दोस्त, इसका जब आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो ए का ट्रांसपोज कितना, जीरो टू माइनस थ्री, माइनस नहीं प्लस ही लीजिए, ये हो गया प्लस, फिर माइनस जीरो फोर, माइनस थ्री, माइनस फोर, जीरो, इसका आप ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज कीजिएगा तो रो कॉलम है, कॉलम रो में, तो चेंज कीजिए, ये कितना है, जीरो माइनस टू माइनस थ्री, टू जीरो, टू जीरो माइनस फोर, थ्री फोर और ये जीरो, ये हो गया। इससे अगर माइनस हम बाहर लेते हैं तो जितना माइनस वाला है प्लस, प्लस वाला माइनस, तो जीरो माइनस टू माइनस थ्री, टू जीरो माइनस फोर, ये हो गया थ्री फोर जीरो। देखिए दोस्त, ये किसके बराबर है, ए का, तो मतलब ए का ट्रांसपोज कितना का बराबर हुआ, ए का। देखिए दोस्त, ये कितना का था, थ्री गुना थ्री का, मतलब थ्री रो थ्री कॉलम का था। अब देखिए यहाँ एक बात ये आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो एग्जांपल ले रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का और वो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है, उस एग्जांपल में
आप इसमें एक चीज देखिए तो ये डायगोनल एलिमेंट हर हमेशा सेम रहता है, वो क्या है, जीरो जीरो। क्या दोस्त है, क्या है सबका डायगोनल, क्या है सेम ही है, मतलब वो जीरो जीरो डायगोनल है। इससे क्लियर होता है, क्लियर ये होता है कि किसी भी ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ इस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब हुआ ऑल द डायगोनल एलिमेंट, ये आपका डायगोनल एलिमेंट कहलाता है ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक का इज ऑलवेज जीरो। ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज ऑलवेज जीरो, ये जो होगा हर हमेशा जीरो होगा। तो हर हमेशा देखिए दोस्त, दो गुना दो ऑर्डर का भी लिए तो भी उसका डायगोनल एलिमेंट जीरो, थ्री गुना थ्री ऑर्डर का लिए तो भी उसका डायगोनल जीरो। मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक का जो एक प्रॉपर्टी हो गया कि उसका डायगोनल जो होगा हर हमेशा सेम होगा और वो जीरो होगा। हो गया दोस्त, इसको भी ध्यान में रखते हुए इसको भी लिखिए और आगे बता रहे हैं। इसमें और टाइप है भी, अगला टाइप है मैं आपका है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल बोलते किसको है, ए बी द एनीमैट्रिक्स, ए बी द एनीमैट्रिक्स इज सेड टू बी द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ, अगर ए का ट्रांसपोज इंटू ए या ए का ए इंटू ए का ट्रांसपोज ये अगर आई का बराबर होगा तब। क्या हुआ मतलब इसका देख लीजिए दोस्त, ऑर्थोगोनल ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो ऑर्थोगोनल कब होगा, ऑर्थोगोनल जब कब होगा, तो यदि वो ए का ट्रांसपोज इंटू ए या ए इंटू ए का ट्रांसपोज अगर वो आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होगा तब वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देखिए दोस्त, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये दिया हुआ है। अब देखिए a इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना, प्रूफ करना है क्या आपको, प्रूफ पहला इसको इसको बराबर कीजिए, दूसरा इसको इसको बराबर कीजिए। तो पहला में आपका कितना होगा, फर्स्ट में a का ट्रांसपोज इंटू a इक्वल टू i, दूसरा a इंटू a का ट्रांसपोज इंटू i। अब देखिए ऑर्डर जितना रहेगा उतना ऑर्डर दे दिए, मान लीजिए ये दो ऑर्डर दो गुना दो का है तो ये हो गया टू गुना टू, ये हो गया टू गुना टू। अब देखिए मतलब आई टू भी लिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है दो रो दो कॉलम का। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, ये कितना का बराबर हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज ये बदल जाएगा रो कॉलम में कॉलम रो में, ये हो गया कितना साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका साइन थीटा। अब देखिए दोस्त क्या क्या रहा है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए तो ले लेते हैं ए, ये कितना आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा ये हो गया आपका साइन थीटा। अब गुना तो आपको बता दिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जितना मैट्रिक्स करें। अब कितना साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको फिर इसको गुना कीजिए, ये आ जाएगा कितना साइन थीटा
माइनस है तो माइनस बाहर कर दिया कॉस थीटा, फिर प्लस इसको गुणा कीजिए माइनस कोसाइन थीटा गुणा माइनस साइन थीटा, इसमें तो पहले में माइनस नहीं है इसलिए साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस इसको गुणा कीजिएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। अब देखिए दोस्त फिर इसको गुणा कीजिएगा तो कॉस थीटा गुणे इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और फिर अगर इसको इससे गुणा कीजिएगा तो ये हो गया कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये खत्म, यहाँ ये खत्म, इसका मान वन इसका भी मान वन तो कितना हो गया 1001 हो गया दोस्त। ये इसको लिख सकते हैं आई टू टू ऑर्डर का है तो आपको प्रूफ हो गया फर्स्ट नंबर प्रूफ। सेकेंड में देखिए क्या बोल रहा है, सेकेंड में कह रहा है ए इंटू ए का ट्रांसपोज, पहले ए का ट्रांसपोज ए कितना है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और ये है आपका साइन थीटा, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और ये हो गया आपका साइन थीटा। ये हो गया ए, ए का ट्रांसपोज ए है, ये ए का ट्रांसपोज है तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए दोस्त इसको गुणा कीजिएगा तो साइन थीटा गुणे साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, ये आपका साइन माइनस में हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसको नीचे से गुणा कीजिए, ये होगा कितना माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको इसको गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से ये दोनों खत्म, यहाँ ये दोनों खत्म, ये कितना हो गया वन, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, तो इसको भी तो लिख सकते हैं दोस्त आई टू, प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ, ये भी प्रूफ। देखिए दोस्त आज जो है ऑर्थोगोनल तक बताए, आगे जो मिलेंगे इसके प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर्टी मतलब इसका जो कुछ थ्योरम है उस थ्योरम को बता देंगे। एक तरह से कहिए तो ये जितना भी थ्योरम है ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसलिए उस थ्योरम को हम प्रूफ कर देंगे, उसके बाद आगे आपका चैप्टर आएगा। इसलिए तब तक मैं जितना बताया इसमें अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन जहाँ दिक्कत होता है वहाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके आधार पे हम दूसरा क्लास आपका ले लेंगे, जिससे कि आपको अगर दिक्कत ना हो आगे और किसी भी दोस्त को दिक्कत ना हो, भाई बहन जितना भी है जो भी पढ़ते हैं किसी को दिक्कत ना हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।